एक बार बताओ तुम्हें सब कितनी देर होगी तुमने मुझे फोन करे हुए? सर एक घंटा हो गया मुझे फोन करे हुए। सर हाँ मुझे फोन करे हुए। हाँ मुझे तुमने अभी फोन किया राहुल चंद जी, ठीक है। सर कितनी बिगड़ते जा रही है, ना नगर निगम वाला आ रहा है ना कोई आ रहा है। नगर निगम वाले का क्या कहना है? कुछ कहना नहीं, क्या कहने के बारे में बोलने की हमारी टीम एक टीम आ गई है, एक टीम आ गई है कहने का। यार यहाँ पे सुबह से पड़ी यार बॉय बॉय कर रहा काम। नगर निगम को फोन कर दिया है, ना नगर निगम आ रहा है ना कोई आ रहा है। ये कम से कम एक घंटा हो गया होगा यहाँ पे नगर निगम को फोन किए हुए। क्या कहोगे इतनी खराब व्यवस्था के लिए? तुम सर आ चुके हैं, टीम भेज रहे हैं, बोलने पता नहीं कब भेजते हैं भाई टीम। इसके पाँव में, इसके ना पाँव में लगी यहाँ पे सूजन भी आ रही है इस पाँव में। खड़ी होने की कोशिश तो कर रही है पर वो फिर गिर जा रही है, यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा है, मतलब खड़ी नहीं हो पा रही। तो गाइस देख सकते हो, देखो रोड किनारे कम से कम आधा घंटा हो गया नगर निगम को फोन किए हुए, नगर निगम कोई एक्शन नहीं ले रहा भाई। नहीं नहीं नॉर्मल पानी। चचा आए गुप्ता जी ज्ञान दे भाई पानी पिला रहे। उसको फोन करो ना नगर निगम वाले को दोबारे, बॉय फोन मिला उसे, फोन मिला फोन और लाउड स्पीकर में डाल, क्या कहते हैं हम भी सुनते हैं। हाँ सीधे वीडियो। हाँ यार बहुत हो गया ड्रामा। ये देखो गाइस फोन मिला रहे हैं इनको हम और ना कोई आंसर दे रहे ना कुछ, और फोन उठा के कहते हैं 5 मिनट 2 मिनट। हेलो हाँ सर कितनी देर और लगेगी? भैया एक बार बताओ तुम्हें सब कितनी देर होगी तुमने मुझे फोन करे हुए? सर एक घंटा हो गया मुझे फोन करे हुए। सर हाँ मुझे फोन करे हुए। हाँ मुझे तुमने अभी फोन किया राहुल चंद जी, ठीक है। सर कितनी देर में आ जाएगी फिर टीम? मेरी बात सुनो, अभी कॉल तुम्हारी ना रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, हो रही है। कोई बात नहीं सर, हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं सर, हम भी कर रहे हैं। सब्र करना सीखो। हाँ हम भी कर रहे हैं सर, सब्र करना सीखो। आपके पास मेरी टीम का फोन भी आ गया होगा सर। आप रिकॉर्ड अभी तक क्या अभी तक आपको रिकॉर्डिंग आप ना आप ये बहुत गलत बात कर रहे हो कि रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल लोग हमने कुछ गलत बोला क्या आपसे? कोई बात नहीं जी, थोड़ी कर रहा कोई आपसे पूछ ही तो रहा है सर। आपकी टीम का ना कॉल आया ना कुछ आया हम पे? हां मेरे सामने दीपक ने आपको फोन किया भाई साहब। नहीं कर रहा सर किसी का, आप हमको करते हो आपको। अब जब गाय मर जाएगी फिर आना। हाँ देख रहे हो भाई, ऐसी बातें कर दिया, कह रहे रिकॉर्ड कर रहे हैं, कॉल कर ले। मेरा की आधा घंटा नहीं हो रहा, 5 मिनट हो रहे हैं। देखो इसकी कॉल लिस्ट, 1 बजे कॉल किया था, 12:57 में किया था और अभी तक ये डॉक्टर ही बोल रहा है कि टीम आ रही है आ रही है आ रही है और कोई टीम नहीं आ रही भाई इसकी। और गाय बेचारी ऐसी ही है अभी तक। ये देखो यार इसको हुआ क्या होगा यार, चोट में तो आ रहा है सर, दर्द लगी है। देखो ये गरज लगी, उसके टीम वाले का फोन भी नहीं आया ना। गाय बीमा भी हो रखा है इसका, है तो किसी घर की गाय ये, फालतू गाय है, टैग लगा हुआ। इसका बीमा वगैरह भी कर रखा है ना, जो दूसरी वाली है उसका, दूसरे वाली उसका भी बीमा हो रखा है, इंश्योरेंस हो रखा है। हेलो हेलो, हाँ जी भैया भैया, ये यहाँ पे कारगी चौक में है ना, हरिद्वार बाईपास रोड नहीं, कारगी चौक कितना टाइम लगेगा सर? वाला में टीम है सर, वहाँ से आने में जो टाइम लगेगा आने में। नहीं सर अगर ट्रैफिक हो रहा हो तो ज़्यादा लग जाएगा, नहीं होगा तो जल्दी आ जाएंगे। वैसे 10 मिनट मेरे को तो 5 मिनट लगते हैं ना सर हर्रा वाला से आने में, तभी पूछ रहा हूँ कितना टाइम लगेगा। भैया बड़ा ट्रक है यार, छोटी गाड़ी थोड़ी है। मतलब 20 मिनट रुक जाऊँ ना? आधा घंटा पौन घंटा लग ही जाएगा भैया, तब तक तो यार गाय बेचारी यार किस तड़प रही है यार, वो पता है तुम्हें। मैंने जो मेरे पहले सूचना आई थी मैंने उनको बताया था कि यार इसका ट्रीटमेंट करा लो। तो ट्रीटमेंट कहाँ से करवाएं, किसको बुलाएं, आप ही बताओ ना हम किसको बुलाएं। मैंने उनको बताया था एनजीओ को कॉल कर लो, एनजीओ को नंबर भेज रहा हूँ, आप भी उनसे बात कर लो। एनजीओ को कॉल किया था, उनने यहाँ नगर निगम का नंबर दिया, उनको ट्रीटमेंट करा लो। तो आप एनजीओ का नंबर भेज दो फिर, आप एनजीओ का ही भेज दो, ठीक है भैया जल्दी भेज दो। देख रहे हो गाइस ये हाल इनके कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, एनजीओ में एनजीओ वालों को करो, बताओ। नगर निगम वाला कह रहे हैं एनजीओ का नंबर भेज रहा हूँ उसको करो।
वो पहले का कंप्लेन कर, बताओ बेचारी ऐसे लड़ रही है, दूसरे को फिर दूसरे को आप देने नहीं हुई, तब तक तो गायब ही जाएगी बेचारी। हेलो जी भैया, नमस्कार। नमस्कार सर, आपने कुछ कंप्लेन किया नगर निगम में? हाँ जी सर, हाँ जी बताइए किस विषय में की थी? सर एक गाय थी ना आप पे, तो ये बीमार पड़ी थी सर बहुत देर से ना। कहाँ पे? ये कारगी चौक है ना, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। अच्छा, हाँ तो उसके बगल में। ठीक है, आप मुझे वहीं पहुँच रहा हूँ ना। कितना टाइम लगेगा भैया? मैं अभी नवादा हूँ, नवादा ही निकल आऊँगा, यहाँ पे एक बात आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ भैया, क्योंकि ना कईयों को कॉल करती, मतलब 6-7 बंदों को कॉल करती, वो यही कह रहे हैं कि आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, पर अभी तक कोई भी। मैं पशुवानी ड्राइवर बोल रहा हूँ। ठीक पक, ओके जल्दी आ जाओ भैया। भाई देखो अभी आने के लिए कह रहा है, पता नहीं अभी भी आता नहीं आता है, ये छठे हैं सातों बंदे जो आने के लिए कह रहा है, और गाय की हाल वही है। बताओ यार, नवादा कहाँ हुआ? यहाँ हुआ ना नवादा, नीचे ये मथुरा वाला साइड ना। 15 मिनट लगने चाहिए, बड़ी गाड़ी है। तो देखो भाई ये भी आता नहीं आता है, पता नहीं, गाय तो बेचारी है तड़प ही रही है, उठ ही नहीं पा रही है, इसके पाँव में ना उस तरफ ना गिरी जा रही है, दोबारे पाँव में उठते ही। वाले भी आ चुके हैं, पर नगर निगम की टीम नहीं आई है भाई। पुलिस वाले भी आ चुके हैं पर नगर निगम की टीम नहीं आ रही भाई, और भैया कह रहे हैं पुलिस वालों की बस क्यों नहीं लग रही है। हाँ यार उल्टा ही हमसे कह रहे हैं कि कॉल तुम करो करके। हाँ वही तो कह रहा हूँ, इतना तो कर ही सकते हैं, फोन तो मिला ही सकते, कुछ कर ही नहीं रहे। ये धामी जी जा रहे हैं ऊपर से, देखो अरे आ रहा हूँ रुको, ये धामी जी जा रहे हैं, इनको उतारो नीचे इधर ही, मैं भी धामी हूँ पर क्या करें, मैं भी खटीमा से ही हूँ, मैं भी पड़ोसी हूँ, पर क्या करें भाई, जब काम नहीं हो रहा तो बोलना पड़ता है। क्यों? हाँ भाई जब नगर निगम को आधे घंटे से कॉल कर रहे हैं भयंकर, अगर धामी जी ने थोड़ा रखा होता स्ट्रिक्ट धड़ाके तो कुछ नहीं करते। हाँ यार ये नगर निगम देहरादून भाई, देहरादून की बहुत बेकार सुविधा है, ये एक गाय यहाँ से 1.5 घंटा हो गया बोला हुआ है, अब तक कोई नहीं आया, आधा घंटा 15 मिनट भाई। अकेडमी के लौंडे भूखे प्यासे लगे पड़े भाई, पुलिस वाले भी जाने लग गए भाई, देखो पुलिस वाले ये देखो, ये भी इनकी बस की भी नहीं थी, ये भी चल रही है, देखो गाइस उल्टा ये लोग यहाँ पे हमसे बोलने की तुम लोग कॉल करो, तुम लोग बुलाओ, ये करो वो करो, ये नहीं कि खुद कॉल करके बुला लें किसी को नगर निगम से। ये भी चल रही है, अब तुम ही बताओ भाई हम क्या करें, हम ना यहाँ के लोकल ना कुछ, अब ना हम किसी को जानते हैं यहाँ पे, जो लोकल बंदे हैं वही कुछ नहीं कर पड़े, वही कुछ नहीं, क्या करें बताओ। अगर कोई देख रहा हो नगर निगम को टैग करो और गाली करो सालों को कमेंट में लिख के दबा के। हाँ यार जी भैया कहाँ पे पहुँचे? हाँ 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 उससे थोड़ा सा आगे आ जाओ, पवन मार्बल नहीं है, पवन मार्बल अरे हाँ। संग भी पड़ता है कारगी चौक से थोड़ा पहले। अच्छा। हाँ बस उस पे ये सप्लायर की दुकान है इसकी ना। ये आपकी की हाँ दिख गई ये खड़े हैं, देखो यहाँ पे आ जाओ। हाँ आ जाओ भाई, आगे अंदर को आ जाओ यहाँ से। भाई ये आ चुकी है गाड़ी नगर निगम वालों की, पूरे 1.5 घंटा हो गया अब जाके आ रहे हैं यार, पर ये एक गाय है इसकी दोस्त है यहाँ पे इंतजार में बैठी पड़ी है इसके, और एक गाय बेचारी यहाँ पे, इसको ले जाओ, इसको भेज देंगे साथ में नगर निगम। अब आ रहे हैं भाई, कम से कम 1 घंटा लगा होगा इस गाड़ी को आने में, यहाँ से फोन हुआ वहाँ से फोन, यहाँ चलो आ तो गया। हाँ यार बताओ, हाथ लगाओ ना, भाई यार।
अब थोड़ा तो उठाने में होगा यार वो। अब तू कह रहा था अकेले उठाते हैं भाई। चलो बैठ गई, अंदर बैठ गई। लोड हो गई तो इसके अंदर अंदर चले जाए। हाँ तो यार उठाने हो तो इंसान में ही चोट लगी तो उसको भी हॉस्पिटल जाने में होता ही है। अभी आप ही आए हो, आप ही आए हो। कम से कम 6-7 जनों को कॉल कर दी नगर निगम में सुबह से। नहीं वो बात आपकी सही से नहीं, आप जैसे आपने बोला 10-15 एक गाड़ी आपकी और भी तो गाड़ियाँ होनी चाहिए। अरे जैसे आपने बोला 10 मिनट में आ रहे हैं आ गए आप, ऐसी बहुत ने बोल दिया सुबह से 10 मिनट में आ रहे पर आधा आधा घंटा लगा के कोई नहीं आया। पता भैया आप आए तो सही। जय हो हमारे यहाँ तो पीते भी हैं। हमारे जैसे मम्मी अम्मी लोग अलग अलग होती हैं, छूत वूत होती हैं तो फिर गौत ही लगा गौत वही तो कह रहा हूँ। जैसे मम्मी अम्मी लोग छूत वूत होती ना बच्चों से किसी के चल जय हो जय श्री राम ठीक है ना। तो कारगी चौक के पास से कारगी चौक निर्माण ट्रेडर्स के पास से ऐसे भी लिख लिया रेस्क्यू करवा कर कांजी हाउस गौशाला जय श्री राम जय श्री राम जय 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 श्री राम जय जय श्री राम। चलो चलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत जल्दी पहुंचे। बाकी तो सुबह से हमने बहुतों को बुलाया। सो गाइस आज हमारे बाय बाय हमने भी उसी में केक भी काटा और हमने एक गाय को भी रेस्क्यू। चलो ओके गाइस थैंक यू बार एकेडमी ऑफ दून सारे लौंडे तवाई भूल यो तो गाइस आप लोगों ने देखा कैसे एक गाय बेचारी बीमार पड़ी थी सुबह से और काफ़ी नगर निगम वालों को बुलाया, कोई आने के लिए तैयार नहीं था और लास्ट में एक भैया आए नगर निगम से और उनकी गाड़ी बैठा के हमने गाय को उनके जो भी मतलब सेफ हाउस है वहाँ पर बचा जा रहे और वहीं उसका इलाज होगा। दुआ करता हूँ सब ठीक है। और ये लौंडे हाँ डॉक्टर के बारे में भाई एक डॉक्टर है नगर निगम का बहुत ही बेकार डॉक्टर नितेश कुछ करके नाम है उनका, ना उनको बात करने का कोई तरीका है ना कुछ है। उनको हमने कॉल किया तो बोलते हैं कि आप इतने बार परेशान कर रहे हो एक घंटे दो घंटे कि मतलब 5 मिनट हुए हैं बोल रहे थे और एक घंटा हो गया था हमने कॉल किया हुआ तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। एक गाय कॉल मत करो आपकी रिकॉर्डिंग कर देंगे उल्टा हमसे बोल रहा है कि रिकॉर्डिंग कर रहे हो, हमने उन्हीं की रिकॉर्डिंग कर ली है आप रिकॉर्डिंग भी सुनिएगा वाली। और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है गाय को ऐसा लग रहा है आप लोगों को ये तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देहरादून नगर निगम तक वीडियो जरूर पहुँची चाहिए। एक ये भी आ रहे हैं भाई गौरक्षक
तो चलिए गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, और शेयर तो जरूर करना क्योंकि भाई नगर निगम को टैग करनी है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग पर। यस बाय।